न्यूज पेट्रोल सिर्फ सच नगर रण। नमस्कार, आप देख रहे हैं नगर रण। मैं हूँ शिव मोहन शुक्ला। नगर रण में हम बात करेंगे अब बढ़त की। बढ़त जो निर्णायक दौर में है, यानी जो लीड प्रत्याशियों ने ले रखी है वो निर्णायक हो सकती है और निश्चित रूप से रिजल्ट में तब्दील हो सकती है। हम बात करेंगे सांसद के वर्चस्व और प्रतिष्ठा की। तो सांसद ने जहां जहां मनमर्जी से टिकट दिए, उन पर आरोप लगे मनमर्जी से टिकट देने के, और भाजपा के जो बगावती होकर चुनाव लड़े और निर्णायक बढ़त पे हैं। जैसे कोहड़ौर की बात करेंगे तो कोहड़ौर में शीतला प्रसाद कोरी जो भाजपा के बगावती प्रत्याशी हैं, वह अब निर्णायक बढ़त में है और अब ये रिजल्ट में तब्दील हो सकता है, यानी रिजल्ट शीतला प्रसाद के पक्ष में आ सकता है, उनकी जीत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे है। ऐसे ही गढ़वारा की बात करेंगे जहां निर्दल प्रत्याशी आगे हो गई है। वहीं हम अंतु की बात करेंगे, वहां भी निर्दल प्रत्याशी जो संजय सोनी है वो भारतीय जनता पार्टी से आगे हो गए हैं। हम सिटी की बात करेंगे जहां समाजवादी पार्टी एक बार फिर बसपा से आगे होती नजर आ रही है। वहीं कटरा मेदनीगंज में हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो सीता देवी है वो आगे चल रही है। पृथ्वीगंज में बात करेंगे तो निर्दल प्रत्याशी आगे हैं। वहीं हम पट्टी की बात करेंगे, रानीगंज की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। ढकवा की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। वहीं कुंडा की बात करेंगे तो राजा भैया का जलवा कायम दिख रहा है और राजा भैया की पार्टी जीत के करीब दिख रही है। वहीं डेरवा में बात करेंगे तो राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल जीत के करीब दिख रही है। वहीं हीरागंज में बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी निर्दल पर भारी दिख रहे हैं और जनसत्ता दल पार्टी यहां तीसरे नंबर की लड़ाई में दिख रही है। इस तरह से हम बात करेंगे ऑल ओवर। जहां सांसद के वर्चस्व की बात थी तो सांसद ने जहां सांसद पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जीत करके टिकट दिए, वहां वहां जो भाजपा के निर्दलीय बागी प्रत्याशी थे वह जीत के करीब होते जा रहे हैं और निर्णायक बढ़त जारी है।